नोबिता जरा मार्केट से थोड़ा सामान। हाँ ये क्या सारा सामान क्यों फैला रखा है नोबिता? नोबिता हमेशा खेलते रहते हो या कॉमिक पढ़ते रहते हो? जल्दी से अपना रूम साफ करो और फिर पढ़ने बैठो। मैं बहुत मजेदार कहानी पढ़ रहा था। पहले रूम साफ करो उसके बाद कुछ करना, समझ गए? मैं क्या करूँ? अरे ये क्या, ये तो मेरे टेस्ट पेपर का रिजल्ट है। ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुल क्यों नहीं रहा है? मैंने तो ये देख लिया, पर किसी को बताना मत। पर तुम इन सब का क्या करोगे? हाँ यही तो मुसीबत है। इन्हें रिसाइकलिंग के लिए क्यों नहीं दे देते नोबिता? अगर किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो ठीक है, इन्हें छुपाकर अपने पास ही रखो, कहीं मॉम ना देख ले। नहीं नहीं, मैं इन्हें फेंकना चाहता हूँ। क्या इन्हें फेंकने के लिए कोई गैजेट नहीं है? हाँ है, सीक्रेट डस्टबिन। क्या कहा, डस्टबिन? ये तो बहुत छोटी चीज है। चिंता मत करो नोबिता, तुम इसमें कुछ भी फेंक सकती हो। बहुत पुराने समय में बहुत सारे वोल्केनोस होते थे और लिविंग थिंग्स बिल्कुल भी नहीं थी। ये गैजेट उस समय का है, ये एक तरह की टाइम मशीन है। लेकिन इसके अंदर फेंकना ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, लावा की गर्मी से सारा कूड़ा पिघल कर खत्म हो जाएगा नोबिता। ठीक है, मैं फेंक देता हूँ। अरे वाह, सारा सामान इसमें गायब हो गया। सही कहा। जियान देखा तुमने? हाँ ये बहुत मजेदार चीज है। दिखने में तो ये बिल्कुल प्लेट जैसा है। इसमें कुछ भी फेंक सकते हैं। हाँ जो मर्जी फेंको। अगर तुम्हारे पास कुछ भी फेंकने के लिए है तो मेरे पास ले आना। तुमने सबको इसके बारे में बता दिया। हे नोबिता, देखो जियान तो आ भी गया। नोबिता ने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या फेंकना है? ये एक टूटा फूटा प्लास्टिक मॉडल है। मेरे पास और भी कुछ है। ठीक है तो ले आओ नोबिता। हे यहाँ पर आ जाओ। अरे इतने सारे आ गए। ठीक है, थैंक यू, बाय। अरे इतना सारा गार्बेज आ गया। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है नोबिता। ऐसा मत बोलो। ठीक है, अगला पुरानी बुक्स। हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। अरे नहीं, एक भी कॉमिक बुक नहीं है। पुरानी कहानियाँ, ये वाली तो मैं पढ़ सकता हूँ। मोमो तारो, ओराशिमा मात्रो, ये भी, ये वाली भी, ये सब मैंने पढ़ रखी हैं। हिटिंग स्काई गॉड, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। बहुत समय पहले की बात है, एक लकड़हारा था जिसका नाम था योसाकू। योसाकू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, इतना कि उसके पास चावल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। एक बार योसाकू अपने पड़ोसी गोसाकू के पास चावल मांगने गया, लेकिन उसने गुस्सा करके उसे भगा दिया और कुछ भी नहीं दिया। योसाकू के पास अब कोई और रास्ता नहीं था और वो पहाड़ पर खाने की तलाश में चल दिया, लेकिन ठंड बहुत थी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने रास्ते में एक जादुई मूर्ति को पड़ा हुआ देखा। उसने उसे उठाकर रख दिया और प्रार्थना की। जादुई मूर्ति हिलने लगी। योसाकू हैरान रह गया। जादुई मूर्ति लाठी को जोर जोर से आसमान में मार रही थी और तभी आसमान से अच्छा खाना गिरने लगा। वो सारा खाना अपने घर ले गया। उसकी माँ खुशी से रोने लगी, लेकिन चालाक गोसाकू खिड़की में से ये सब देख रहा था। गोसाकू जल्दी से जाकर जादुई मूर्ति से कहने लगा, मुझे भी अच्छा खाना दो। जादुई मूर्ति ने जोर जोर से अपनी लाठी आसमान में घुमानी शुरू कर दी और इस बार पता है क्या हुआ? इस बार आसमान से कूड़ा गिरने लगा। ये तो बहुत मजेदार है। कितना सारा सामान है, मैं तो थक गया। अरे ये तो गंदी हो गई, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट पॉकेट। आइडिया, हाँ अब ठीक है। ये तो बहुत भारी है। ये तो अंदर जा ही नहीं रहा, थोड़ी और कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या, सामान के साथ साथ मैं भी अंदर आ गया हूँ, अब मैं कैसे बाहर निकलूँगा? योसाकू के घर की हालत बहुत खराब थी,
ठंडी हवाएं चलने के कारण घर में बहुत सर्दी थी। योसाकू ने फिर से पहाड़ पर जाकर प्रार्थना की। गोसाकू ने चुपके से उसका पीछा किया। योसाकू की बात सुनने के बाद जादुई मूर्ति ने लाठी आसमान में मारनी शुरू की और उस समय आसमान से कागज गिरने लगे। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। योसाकू उन कागजों को अपनी खिड़की पर चिपकाकर ठंडी हवा रोक सकता था। योसाकू खुशी खुशी वापस घर चला गया, लेकिन ये देखकर गोसाकू को बहुत गुस्सा आया। उसने जादुई मूर्ति के हाथ से लाठी ली और आसमान की तरफ मारने लगा। तभी आसमान से पत्थर गिरने लगे और उसकी हालत खराब हो गई। वेरी गुड। हे नोबिता, क्या तुम इसे रिसाइकिल कर सकते हो? खुद कर दो। थैंक यू। बहुत भारी है। इसके अंदर क्या है? काफी कुछ है, बिस्किट, केक, मिठाई और कैंडीज भी। ये तो वेस्ट हो जाएगा। चिंता मत करो, ये सब मुझे गिफ्ट में मिले थे। इन चीजों को बार बार देखकर मैं बोर हो गया था। नोबिता, मैं भी अपने टॉयज और ग्लास बॉल्स फेंकना चाहती हूँ। हाँ हाँ शिजुका, शुक्रिया। अरे ये डोरेमोन कहाँ चला गया? मुझे किसी भी कीमत पर इसकी एंट्रेंस ढूंढनी होगी। अरे नहीं, मैंने तो एग्जिट ढूंढ लिया। सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। घर में मॉम भूखी हैं और मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लाठी और एप्रन? अरे नहीं, ये तो जादुई मूर्ति है। अब मैं क्या करूं? प्लीज हमें खाना दे दीजिए। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अरे वाह, जादुई मूर्ति बोल रही है। मैं कौन सी जगह पर हूँ? ये जगह मेरे गांव से थोड़ी दूर है। क्या? एग्जिट कहाँ पर है? मुझे एग्जिट चाहिए। जल्दी से मुझे एग्जिट को ढूंढना होगा। अरे ये क्या गिर गया? क्या कुकीज, बिस्किट, स्वीट, इतनी सारी चीजें? क्या तुम खाना चाहोगे? वाह, ये सब आप मुझे दे देंगे? ऐसा खाना मैंने कभी नहीं देखा। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो मेरी पॉकेट भी नहीं है। क्या तुम जादूगर हो? तुम कौन हो? जैसे तुमने उसे खाना दिया वैसे मुझे भी खाना दो। मैं जादूगर नहीं हूँ, और देखो अब मैं और खाना बिल्कुल नहीं ला सकता। एग्जिट वाले रास्ते से अब और कुछ नहीं आएगा। जैसे आपने उसे दिया था वैसे मुझे भी दे दो प्लीज। एग्जिट, एग्जिट, जल्दी से एग्जिट मिल जाए तो मैं बाहर चला जाऊँ। क्या बात है? मैं गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। जादुई मूर्ति के पास जाकर उसे ठीक करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। एग्जिट। अरे ये तो नोबिता के टेस्ट पेपर्स है। अच्छा, तो आप यहाँ पर है? अरे वाह, ये तो कागज है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन्हें अब अपने घर की खिड़की पर चिपका सकता हूँ। ये जीरो मार्क्स वाले पेपर्स को लगाएगा? अगर नोबिता ये बात सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा ना? आपने मुझे कुछ नहीं दिया। लाओ अपना डंडा मुझे दो। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ले लूंगा। योसाकू ने रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचा और उन्हें अपने घर ले गया। जादुई मूर्ति भी आसमान में रोजाना अपनी लाठी मारा करती थी। नई नई चीजें और महंगा सामान रोजाना गिरता था। इतने सारे सामान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एग्जिट नहीं मिल रहा। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर है क्या, बताइए ना। वो ग्लास बॉल थी और ये प्लास्टिक है। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, अंदर एक मूर्ति भी है। जय हो। अरे नहीं, ये तो फ्रिज है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। योसाकू के पास बहुत सारा खजाना है, ये बात मैं जाकर राजा को बताऊंगा। योसाकू की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। क्या, ऐसा खजाना जो मैंने नहीं देखा है? ऐसा खजाना योसाकू के पास है? राजा ने उसी वक्त अपने सेनापति को योसाकू को पकड़ने के लिए भेजा। योसाकू को उस बात का पता चल गया और उसी समय वो अपनी मम्मा और जादुई मूर्ति को लेकर पहाड़ों की तरफ चला गया और भागते भागते दूसरे देश के बॉर्डर पर पहुंच गया। योसाकू ने देखा पड़ोसी देश के सैनिक उसके देश पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये खतरनाक है, योसाकू और उसके देश का क्या होगा? अरे नहीं, ये तो खतरा है, मुझे जाकर राजा को बताना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो राजा तुम्हें पकड़ लेगा। नहीं, अगर ये लोग आ गए तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे जल्दी जाकर राजा को बता देना चाहिए, लेकिन मैं जाऊं कैसे? मजा आ गया, अब मैं नई चीजें खरीद सकता हूँ।
अगर मेरी पॉकेट यहाँ पर आ जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे ये किसने फेंक दिया? हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया। मॉम आप यहीं पर इंतजार करना। जादुई मूर्ति ने उसे सवारी दी जिससे वो राजा के पास बहुत जल्दी पहुंच गया और उसने राजा को दुश्मनों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके कारण योसाकू के देश ने दुश्मन को भगा दिया और उसे राजा से बहुत इनाम मिला। अब योसाकू अमीर हो गया है इसलिए उसने जादुई मूर्ति के लिए एक बहुत अच्छा घर बनाया। उससे जादुई मूर्ति बहुत खुश हुई लेकिन उसके बाद जादुई मूर्ति को किसी ने दोबारा नहीं देखा। शायद जादुई मूर्ति कहीं गायब हो गई। योसाकू बहुत खुश था। मुझे होल मिल गया, अब मैं जा सकता हूँ। बहुत मजेदार कहानी थी। रुको। डोरेमोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की, तुम कहाँ पर थे? मैं थोड़ा आराम कर रहा था। ये देखो। चुप हो जाओ। पर क्यों? डोरेमोन प्लीज आखिरी बार करने दो। मुझे भी बिल्कुल नहीं। डोरेमोन मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं। इतनी ज्यादा वेस्टेज, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कूड़ा फेंकने की एक बहुत अच्छी चीज है ना? नहीं। देखो ये पेंसिल और रबर अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये बताओ इतना ज्यादा टिश्यू पेपर किसने वेस्ट किया और इस तरह ये च्युइंगम किसने फेंकी? इस च्युइंगम को अभी भी खाया जा सकता है। और ये देखो इस चीज को अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी सच में तुम लोग कितनी ज्यादा वेस्टेज करते हो।